दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में एटी लाइव वीडियोस। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग कन्वर्टर फ्रिज कैसे काम करता है। ठीक है, जैसा कि आपको सबको पता ही है कि डबल डोर का फ्रिज है, तो ऊपर वाला जो होता है वो फ्रीजर होता है और नीचे वाला फ्रिज होता है। तो ये काम, इसका जो पैनल है ये काम करता कैसे, बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये फ्रीज़र है, सेकंड पे फ्रीज़र टू फ्रिज है, और ये फ्रिज है। फ्रिज यानी कि हम बात करते हैं फ्रिज से, फ्रिज यानी कि नीचे का पोर्शन। तो नीचे का पोर्शन, इसमें टेम्परेचर है 1, 2, 3, 5 और 7। ये कैसे काम करता है, ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा है, कैसे काम होगा, मैं आपको बताता हूँ। कि जो नीचे का जो फ्रिज जो पोर्शन है, अगर इसको ज़्यादा कूल करना है तो इसके नंबर्स को आपको 1 पे करना होगा। यानी कि 1 पे अगर करेंगे तो जो नीचे का फ्रिज का पोर्शन है वो ज़्यादा कूलिंग करेगा। और ज़्यादा कूलिंग करने का मतलब है कि कंज्यूम जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। हालांकि कूलिंग तो करेगा क्योंकि कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा तो कूलिंग ज़्यादा करेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अपनी अनुसार रखें, यानी कि अगर मिड में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरी मेरी शायद ज़रूरत कम है तो मैं इसको 7 पे रखे हुए। तो मैं अब इसको बताता हूँ कि आप इसको 1 पे, 2 पे, 3 पे कैसे करें। इसमें इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये चेंज होगा, यानी कि अभी ये 5 पे है, फिर 3 पे, 2 पे और ये 1 पे। 1 पे करने का मतलब है कि ये ज़्यादा कूलिंग करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अपने अनुसार सेट करें। हम इसको वापस 7 पे कर देते हैं। अब फ्रीजर की बात करते हैं। सेम सेम फड्डा है इसके लिए भी, कि आप इसको जितना ऊपर लेकर जाएंगे 23 पे, 21 पे, 19 पे, तो ज़्यादा ठंडा, मैं यानी कि बर्फ़ जमाएगा। तो कैसे काम करता है मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसको आप प्रेस करेंगे, देखिए अभी 17 पे, 19 पे, 21, 23। 23 का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा, बहुत जल्दी कूलिंग करेगा। जल्दी कूलिंग करने के लिए कंप्रेसर रेगुलर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो आपको अगर बिजली के बिल से थोड़ा बचत करनी है तो आप इसको 15 पे रखें, या फिर आप इसको 19 पे भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रीज़र की, फ्रीज़र टू फ्रिज, यानी कि आपके घर में कोई ओकेज़न है, आपको फ्रिज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप फ्रीज़र को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कैसे, आपको ये बटन को प्रेस करना है 3 सेकंड तक। अब ये देखिए, आप ये लाइट पॉपअप हो गई, इसका मतलब ये कि आपका जो फ्रीज़र है वो फ्रिज बन चुका है, यानी कि सेम कूलिंग करेगा 7 डिग्री पे। जो भी आपका पहले टेम्परेचर सेट होगा वो उस पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसको हम वापस कर देते हैं, 3 सेकंड पर प्रेस करेंगे, ये वापस अपना फ्रीजर पे चला गया। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे पावर कूलिंग की, पावर फ्रिज की। पावर फ्रिज का मतलब है कि आपको इंस्टेंट बर्फ़ चाहिए, मतलब इंस्टेंट कुछ ऐसा है कि आपको ज़्यादा मतलब आइस की ज़रूरत है, तो आप इसको 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप ही ऑटोमेटिक इसकी जो लाइट्स हैं ये देखिए ये ऑन हो गई। इसका मतलब ये आपका पावर फ्रिज पे चला गया। ठीक है, तो ये लेकिन जब ही करें जब आपको ज़रूरत हो इसकी। इसको वापस कर देता हूँ। ठीक है, ये वापस मेरा मोड पे आ गया। और बाकी तो